जय इंडिया। तो चलिए, सिटी कॉलेज का भी मेरिट लिस्ट निकल चुका है, तो हम लोग उस मेरिट लिस्ट को कैसे देखते हैं इस वीडियो में बताते हैं ना। बट वीडियो को थोड़ा सा आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी क्या होगा, हेल्प होगा। ओके, तो आते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या करिएगा, आके यहाँ सिटी कॉलेज टाइप करिएगा। क्या टाइप करिएगा, सिटी कॉलेज, ठीक है। तो देखो, सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो हो जाएगा। फिर इसको क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा। एक पेज ओपन होगा तो आके देखो, राइट कॉर्नर में ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बोलकर है, उसको क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे, एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आके यहाँ क्लिक हेयर फॉर ऑल मेरिट पैनल। अगर मेरिट पैनल देखना है तो इस पर क्लिक करो, मैंने मेरिट लिस्ट देखना है तो देखने पर यहाँ देखो, बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट मेरिट पैनल, बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखना है ये ला, है ना, ऑनर्स और जनरल। अगर आप ऑनर्स के लिए भरे 4 साल के लिए तो इसको देखिएगा, जनरल के लिए भरे तो इसको देखिएगा। तो मान लो हम लोग ऑनर्स के लिए भरे कि मैक्सिमम स्टूडेंट सब ऑनर्स के लिए फिलअप किया है, तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो सर ये नाम ओपन हो जाएगा कि कौन स्टूडेंट का नाम यहाँ मेरिट लिस्ट में आया। अच्छा, मेरिट लिस्ट क्या है? मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि आप अब क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो सर यहाँ जिस जिस का स्टूडेंट का नाम आया है वो जाके कॉलेज में क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकते हैं, है ना। जैसे देखो, ये सारा नाम है, तो ये सारा नाम विदुर रॉय, निखिल जसवाल, अरहन रजक, तो ये लोग का नाम आ चुका है। अभी ये लोग कॉलेज में जाके क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। देखो 97.97 ऐसा करके परसेंटेज है। तो सर ये मेरिट लिस्ट निकाला है तो ये लोग जाके क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला है तो इस तरह आप लोग जाके अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट देख लो, जिसका नाम आया अगर चाहो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो काफी स्टूडेंट का नाम निकाला है, कितना फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितना स्टूडेंट का है, काफी स्टूडेंट, 1 सेकेंड, अच्छा जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट या जनरल का खत्म हो रहा शायद, और यहाँ देखो एससी लिस्ट चालू हो रहा। क्या चालू हो रहा है? एससी ईडब्ल्यूएस लिस्ट का चालू हो रहा है फिर यहाँ, है ना। और ये जो खत्म हुआ होगा वो किसका, ईआर का, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी। इस तरह अपना लिस्ट देख लोगे कि आपका नाम कहाँ है। अगर आपको क्या करना, एडमिशन लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, एडमिशन लेने के लिए आप फिर बैक में आओगे जहाँ से हम लोग गए थे, से क्लिक हेयर से गए थे, उसी के नीचे में देखो यहाँ एडमिशन पेमेंट लिंक। अगर आपको एडमिशन लेना तो आपको यहाँ का पेमेंट लिंक दिया है, आप जाके यहाँ से एडमिशन ले सकते हो। जैसे इस पेमेंट लिंक पर क्लिक करोगे, आपको पेमेंट लिंक ओपन होगा। देखो यहाँ आपको गाइड भी कर दिया है, सिलेक्ट द पे, आप जिससे सिलेक्ट करोगे उसको सिलेक्ट, माने जिससे पेमेंट करो उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद पेमेंट डिटेल डालो, है ना, वेरीफाई पेमेंट डिटेल होगा, उसके बाद कंप्लीट पेमेंट होगा, और उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। मतलब कैसे ये बताया, आप क्या करोगे वही है। देखो यहाँ पेमेंट कैटेगरी है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ आपका जो इंटर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है आप यहाँ डालोगे। यहाँ डाल के क्या करोगे, फेस पेमेंट डिटेल में आगे बढ़ोगे तो आपको कोई ना कोई यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, फोन पे, गूगल पे, कोई ना कोई ऑप्शन देगा, वहाँ से आप पेमेंट करोगे, है ना। वही आपको बता रहा, सबसे पहले आपको क्या होगा, सेलेक्ट पे ही करना पड़ेगा, किससे पेमेंट करो, डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, कोई यूपीआई से या फोन पे गूगल पे सेलेक्ट करो, उसको पेमेंट करो, वेरीफाई मांगे, जैसे ओटीपी आता है वो आएगा, फाइनल कंप्लीट होगा और उसका रिसिप्ट निकाल लो, बस आपका क्या हो गया, वो एडमिशन हो चुका। समझ में आया? तो ये रहा कौन से किस कॉलेज का, ये रहा सिटी कॉलेज का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। आज के लिए जय हिंद।